हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 ओशियन करंट्स, इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट है ना उसको हमने मार्क कर दिया, देखो इधर ही। ठीक है, अब बाजू वाले पेज पे आते हैं। जो टिक मार्क है वो आपका करेक्ट आंसर है, आप इसको देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। ठीक है, जो रॉन्ग इसको हमें करेक्ट करना है। ये ए वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये जो सी ई एफ है ये करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम आपको दे रहे हैं, आप ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ए वार्म ओशन करंट्स ऑन क्लाइमेट। इसके लिए आप आंसर लिखेंगे। बी और सी दोनों के आंसर साथ में दे रहे हैं, ये लिख लो। मेल्टिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, ये आंसर है आपका। ई द ट्रांसपोर्शनल कैपेसिटी ऑफ ओशन करंट, ये लिखेंगे आप। एफ डीप ओशन करंट, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट अ मैप ऑफ द ओशन करंट एंड आंसर द फॉलोइंग। सबके आंसर साथ में बता रहे हैं, आप ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशन करंट, आप ये आंसर लिखेंगे। बी और सी दोनों के लिए आंसर बता रही हूँ साथ में, आप लिख लेना। ठीक है, डी एक लास्ट आंसर बचा है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये डी के लिए आप ये आंसर लिखेंगे।